नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी के शब्द रूप टॉपिक से 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगी राष्ट्रीयता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे हम लोग। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है साधनी, साध्वी, साधुआइन, सधुआइन। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है साधु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साध्वी जो होता है, साध्वी किसी भी साधु शब्द का स्त्रीलिंग होता है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन हम देखेंगे। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से कारक हैं संप्रदान, करण, अपादान या फिर अधिकरण। तो यहाँ पर करण कारक। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कर्ता कारक की पहचान चिन्ह क्या होता है, ने कर्म का को करण का से। तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? से। अपादान का भी से होता है, पर अपादान अलग होने की स्थिति में, किसी चीज़ के दुराव होने की स्थिति में वहाँ पर अपादान कारक होता है से चिन्ह के अर्थ में। तो यहाँ पर करण कारक। यहाँ मैं काम से जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ यानी काम से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। यहाँ कोई अलगाव नहीं दिखाया गया है, अतः ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा, करण कारक। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि या आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण दोष आदि आते हैं। क्या आते हैं? गुण दोष अवस्था का जो बोध कराता है वही भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पाँच हम लोग देखेंगे। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तीन, दो, चार या फिर पाँच। तो आप लोगों जैसे अवगत होगा कि हिंदी और अंग्रेजी में वचन दो ही वचनों की बात की गई है, संस्कृत में तीन वचन की बात की जाती है। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी में दो ही वचन होते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है, कारक के भेद हैं पाँच, छः, सात या आठ। तो हिंदी में आठ कारकों की बात की गई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सातवां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? धन, धन एक संज्ञा शब्द है, इससे क्या धनिक विशेषण बनेगा? सुख, सुख से बनने वाला विशेषण क्या सुखी है? दिन से बनने वाला विशेषण क्या दैनिक है? बंगाल से बनने वाला विशेषण क्या बंगाली है? तो इसमें इस बात को भी ध्यान देना है आपको, यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अशुद्ध पूछा गया है। इस बात को अशुद्ध और नहीं, आजकल क्वेश्चनों का जो ट्रेंड चल रहा है इस पर विशेष ध्यान देना है। तो इस लिहाज से इस सात का जो है ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। धन संज्ञा का धनिक विशेषण नहीं होता और सारे राइट हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आठवां क्वेश्चन हमारा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें दो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। इसमें पूछा गया है, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का जोड़ा दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। इस बात पे विशेष ध्यान देना है आपको। मोटा मोटी, क्या मोटा मोटी, धोबी, धोबिनी, ये सही है। मोटा का स्त्रीलिंग मोटी बनेगा, धोबी का धोबिन बन जाएगा। और जो ये ऑप्शन नंबर सी है, दाता का दानी नहीं होता। दाता तो अपने आप में दानी है, इसका दाता का दानी नहीं होगा, ये ऑप्शन अशुद्ध हो जाएगा, सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी। और चौथा भी हम देख लेते हैं, तेली का तेलिन, ये राइट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर मतलब विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नौवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नौवां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो आप यहां से देखेंगे, दया, बुढ़ापा, दुर्घटना, निर्धनता, तो
यहाँ से निकल के आ रहा है नाइन्थ का बी जो हो जाएगा, ये पुलिंग शब्द है। क्या है? पुलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से। फिर दसवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दसवें क्वेश्चन में हमारे पूछा जा रहा है लिंग की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही एक प्रकार का क्या है? लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है? तो दही जो आपका होगा वो आपका पुल्लिंग होता है, है ना। कहते हैं क्या है, दही मीठा होता है, दही खट्टा है, कि दही खट्टी है ऐसा नहीं बोलते ना, दही खट्टा है। तो इस प्रकार से पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है ऋषि का स्त्रीलिंग है ऋषणी, ऋषपत्नी, ऋषिका या ऋषि। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन देखेंगे। बारहवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है क्या है? कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या होगा? तो जैसा कि अभी हम आपको बताए कि कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, कर्म का कौन सा चिन्ह होता है? को होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और कर्ता का क्या हो जाएगा? चिन्ह ने हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेरहवां क्वेश्चन हमारा है संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या देशवाचक। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक भी एक संज्ञा का प्रकार है, जातिवाचक भी संज्ञा का प्रकार होता है, भाववाचक भी संज्ञा का प्रकार होता है, पर देशवाचक जैसा कोई संज्ञा का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। चौदहवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौदहवां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वो, जिनका, जो, किनका, जिन्होंने, उन पर, उसको। इसमें पूछा गया जा रहा है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। इसमें ऐसे जो सर्वनाम शब्द दिए हैं उनमें से कौन है, ऐसे इनमें से कौन है कि जो तीन तीन दिए हुए हैं, तीनों में कौन है जो प्रश्न पूछने का प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि कौन भी है, कौन कैसे है, प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या भी, किसने, ये तीनों शब्दों से क्या पता चल रहा है कि प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा चौदह के। पंद्रह क्वेश्चन हम देखेंगे। पंद्रह क्वेश्चन में कहा हरियाली कैसा है? हरियाली जो एक शब्द है ये कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, फिर विशेषण है? तो हरियाली भाववाचक संज्ञा है। हरियाली कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। हमने कहा भाववाचक गुण दोष अवस्था के बारे में जो बताता है वो संज्ञा कैसे कहलाती है? भाववाचक। तो हरियाली उसकी क्या बता रहा है? गुण बता रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सोलहवां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, आज, कल, इधर या किसे। तो इधर जो होता है ये अव्यय नहीं होता है, बाकी तीनों क्या है? अव्यय है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सत्रहवां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दाता शब्द का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, दाती होगा, दात्री होगा या दात्री होगा या यात्री होगा, दाती, दात्री, दात्री या यात्री, क्या होगा दाता शब्द का स्त्रीलिंग? तो यहाँ से राइट आंसर जो आपका बनेगा दात्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। सत्रहवें का हम देखेंगे। अठारहवां क्वेश्चन, अब अठारह क्वेश्चन में हमारे पूछा जा रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो जो मुझे है वो उत्तम पुरुष होता है। जब मैं की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। जिससे बात की जाती है वो क्या होता है? जिससे बात की जाती है वो होता है मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जाती है, मध्यम पुरुष में जैसे आ जाएगा तुम,
और जो आपका होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में वो हो लड़का मैं इत्यादि आ जाएंगे, उत्तम पुरुष में मैं आता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है, जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें सो विशेषण है, विशेष है, जातवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर एक प्रकार का क्या है शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ से हमको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे। ऑप्शन इसके कुछ हमको रंग लग रहे हैं, कल इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कुछ गलत हुआ है इस क्वेश्चन में हमको लग रहा है। जो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा जैसे इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो सही है, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है, इसमें जो सो होगा वो कैसा शब्द है, ये संयोजक शब्द है ना, ये संयोजक शब्द है। तो कुछ ऑप्शन में हमको गड़बड़ी लग रही है, इसको कल हम लोग देख लेंगे। 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक या फिर करण कारक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संबोधन कारक। यहाँ पे क्या लगा है, विस्मयबोधक चिन्ह लग गया ना, ए राकेश, संबोधन करने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।